विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी पर राज्य सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के पूर्व बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथों में ले ली। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पहले सीएम ममता बनर्जी के मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए और नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पराजित कर विधायक चुने गए। बता दें कि शुभेंदु के बॉडीगार्ड की लगभग 3 साल पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। बॉडीगार्ड की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने हाल ही में पति की संदिग्ध मौत के मामले में सवाल उठाते हुए फिर से जांच की मांग की है। आईपीसी धारा 302 और 120 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।